ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और लास्ट का एक गुण सुना करके मैं पूरा करता हूं। तीसरा गुण है गुण ग्रहण करना। स्कूलों में सरस्वती माँ का फोटो दिखाता है। सरस्वती माँ किसके बैठे, किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है, या मोर के ऊपर बैठी है, या कमल? वास्तव में कोई बैठती नहीं थी। ये चित्र कहता है ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, कंकड़ अलग, मोती अलग। जो पढ़ने के बाद दूसरे की अच्छाई लेता है वो है हंस। पढ़ने के बाद जो बुराई लेता है, अच्छाई छोड़ता है, वो है कौवा। और कौवा जो है उसको कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए हंस बनना ये है पढ़ाई का मूल उद्देश्य। भविष्य में लक्ष्मी आने के लिए सरस्वती को प्रसन्न करो। जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है। तो सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हंस बनो, कमल बनो। कमल अर्थात दुनिया में चारों तरफ से कीचड़ है, लेकिन कमल वहाँ होकर के उसका अपना आकर्षित करता है। उसके ऊपर कीचड़ डालो गंदा नहीं होगा, पानी डालो गिला नहीं होगा। इसी तरह दुनिया में कीचड़ है, चारों तरफ से इंटरनेट, फैशन, वेशन, इसमें रहते हो भी उससे बुराई से बचकर रहना, इसको कहेंगे कमल। कमल बनो, मोर अर्थात पवित्र बनो। तो जब कमल बनेंगे, मोर बनेंगे, हंस बनेंगे, तब सरस्वती माँ प्रसन्न होगी। एक बच्चा मेरे को आकर के कहता है, सर भविष्य में पैसा कमाने की टैक्टिक है। हमने कहा विद्यार्थी जीवन में सरस्वती माँ को प्रसन्न करो, आपके पास धन अपने आप आएंगे। क्योंकि जहाँ सरस्वती है वहाँ धन अपने आप आएगा। इसलिए सरस्वती को प्रसन्न करना अर्थात हंस बनना, मोर बनना, कमल बनना।